पुलिस थाना नालागढ़ के तहत चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ननोवाल के पास नाका लगा रखा था, तो सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी को जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो गाड़ी चालक घबरा गया और गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें 144 बोतलें शराब देसी व 12 बोतलें शराब अंग्रेजी की बरामद हुई। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए SHO नालागढ़ श्याम लाल ने बताया कि नालागढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ननोवाल से एक बोलेरो गाड़ी में अवैध रूप से शराब तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने नाका लगाकर बोलेरो गाड़ी को रोका और उसमें अवैध रूप से रखी शराब बरामद की है। चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी धरपकड़ जारी है। हमें गुप्त सूचना मिली थी शाम के वक़्त के एक गाड़ी HP 1200 2608 बोलेरो गाड़ी है, वाइट कलर की, उसमें कुछ अवैध शराब आ रही है, जिस पर हमने सब इंस्पेक्टर प्रवीण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और रात को हमने नाकाबंदी की थी नैनोवाल के पास। तो वहाँ पर हमने इस गाड़ी को नैब किया, पर अनफॉर्चुनेटली रात को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो आरोपीगण थे वो फरार हो गए थे मौका से और गाड़ी को हमने रिकवर कर लिया है और इसमें से 12 पेटी रसीला संतरा ओनली फॉर सेल इन UT और एक विस्की की पेटी वो ओनली फॉर सेल इन हरियाणा, ये रिकवर किया और हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया और आरोपी गणों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।